बहुत ही गंभीर मामला है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और जिन्होंने पार्टी के निर्देशों की अवमानना की है, अवहेलना की है, एक वोट अवैध पाया गया है, एक में क्रॉस वोटिंग हुई है, तो निश्चित रूप से यह पार्टी के फैसले के खिलाफ उन्होंने कृत्य किया है, और इसे कांग्रेस हाईकमान ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। हम जानते हैं कि गुप्त मतदान है, सीक्रेट बैलेट, लेकिन जिन्होंने भी किया है, कौन इसमें शामिल थे यह कहना अभी उचित सा नहीं है। और हमने सारे इस प्रकरण को प्रभारी, उत्तराखंड के प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी जी को भी अवगत कराया है, लेकिन वो क्षम्य नहीं है, वो अपराध की श्रेणी में है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के निर्णय को दरकिनार करते हुए यह फैसला लिया है और धोखा दिया है, तो यह क्षम्य नहीं है। हम कार्रवाई करेंगे, वक्त आने दीजिए। ये बड़ा टेक्निकल विषय है, और क्योंकि ये गुप्त मतदान इसका होता है, ये राज्यसभा के चुनाव का जैसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है और हम लोग विचार करेंगे। अगर कोई चीज़ सामने आती है, संज्ञान में आता है, या कोई विधायक स्वयं आगे कहता है कि मैंने क्रॉस वोटिंग की है, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई करी जाएगी।